कार्यकर्ता को हक का हक नहीं है मांग करने का क्या? नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता है, लेकिन आप समझते हैं कि उसका मतलब दम है? समय पर निर्णय लेंगे, मैं अभी कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन चलिए पानी पड़ रहा है कि चुनाव कहीं से जीत नहीं सकते। नहीं कौन कहे आप लोग बहुत ज्यादा नीतीश जी अभी तक अभी चुनाव हारे हैं क्या? आगे भी लगता है कि जीतेंगे ही, चुनाव लड़ेंगे तो। अगर नरेंद्र मोदी का गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर नीतीश कुमार कैसे जीते? इसका गढ़ कब है, कहाँ किसका गढ़ है? गढ़ तो गुजरात में था, तो बनारस का है, चले आए लड़ने के लिए। किसी का कहीं कोई नीतीश कुमार नालंदा से भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, नहीं जीतेंगे, खुला चुनौती दे रहे। इसका मतलब हम लोग राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, कोई नहीं जीतेगा, केवल मोदी जीतेगा। आपको लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतवे करेंगे? चाहते हैं कि ये बिहार छोड़ दें, उनके दल के लोग, उनके गठबंधन के लोग, जो लोग हैं चाहते हैं कि अब बिहार कोई ज्यादा बर्बाद न करे, बिहार से बाहर चले जाए, ये नीतीश कुमार की बर्बादी को देखना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने बिहार में चुनाव जीत नहीं सकता, बिहार की जनता के विश्वास को जो व्यक्ति खो चुका है, बिहार के किसी भी लोकसभा से ये चुनाव लड़ेंगे 1 लाख से ज्यादा वोट से हारेंगे, तो इनको लोग बाहर भेजकर बिहार को बचाना चाहते हैं। और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब बिहार में हम चुनाव नहीं जीत सकते तो उस यूपी में, जिस यूपी में राम राज्य स्थापित हो चुका है, उस यूपी में जहां बनारस की गलियों में वेद का मंत्र गूंज रहा है, उस यूपी में जहां कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ने लगी है, बिहार के अंदर आज भी बख्तियार खिलजी का वह क्रूर दृश्य, गुलामी की निशानी इनके घर में ही दिखाई पड़ रहा हो, जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जला दिया, राजगीर से लेके लखीसराय से लेके भागलपुर तक हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटा दिया, उस बख्तियार खिलजी की निशानी को नीतीश कुमार अपने गांव में, अपने गृह क्षेत्र में बख्तियारपुर नाम रख करके बिहार की जनता को गुलामी मानसिकता से जो द्रवित कर रहे हैं, जो दुखी कर रहे हैं, ये व्यक्ति को यूपी स्वीकार करेगा? कोई भारतीय स्वाभिमानी गुलामी के प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गुलामी के प्रतीक के पोषक है, ये व्यक्ति को कोई स्वीकार नहीं करेगा।